शरीरम हवि, इस पर विचार चल रहा था, सब कुछ शरीर से लक्षित सारा चीज है, स्थूल सूक्ष्म आदि सबको हविष के समान वह अपने स्वरूप चैतन्य में आहुति दे देता है। जो व्यक्ति मातृका चक्र संबोध वाला है, मातृका चक्र का जिसे संबोध प्राप्त हो गया, ऐसे जो महान योगी है, सभी के द्वारा जो प्रमातृत्वेन अभिषिक्त होकर के स्थूल सूक्ष्म आदि रूपे जो शरीर हम अनुभव कर रहे हैं, उसको वह महायोगी तत् महायोगी के लिए क्या होगा, परस्मिन चिदग्न हुए मानम भवि, अपना पर ब्रह्म परमात्म रूप परमेश्वर स्वरूप चित्त रूपा जो अग्नि में चिदग्नि में हुए मन हविष के समान हवि है समझो, तो सारे चीज को उसमें स्वाहा कर देता है। अरे किसी भी चीज का लेश मात्र अभिमान नहीं रखता, पूर्णहंता से ऊपर उठ गया। शरीरम तद महायोगी न प्रसंचित अग्नो हुए मानव अभी, क्यों शरीर प्रमात्रता प्रशमने न, शरीर की प्रमात्रता का प्रशमन हो गया। जब तक शरीर में मेरा प्रमात्रित्व रहेगा, मैं कर्ता भोक्ता को पकड़ा रहूंगा, तो अपना महायोगी शिव योगी हो ही नहीं सकता। फिर आपने शरीर के अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्व के प्रमातृत्व को स्वीकार करोगे, फिर आप क्या है, परिच्छिन्नता में रह जाओगे, बस आप परिच्छिन्न परमेश्वर भाव को कैसे अनुभव कर सकते। इसीलिए इस शरीर को हवि बनाने का मतलब क्या, मतलब यह हुआ कि शरीर में जो प्रमातृत्व आदि था, प्रमातृत्व थी अभी तक कर्तृत्व भोक्तृत्व रही है जो, उसको आपने प्रशमन कर लिया और सदैव चिन्मात्रता अभिनिविष्टमान, सदैव मैं क्या हूं, मैं चिन्मय रूप हूं, चिदानंद रूप शिव शिवोहम शिवोहम, ऐसा निश्चय कर लिया है। शिव केवलम एको वशिष्ठ शिव केवलो हम, दशश्लोकी में आधार शंकर कहते हैं, आत्मसर्ग में चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम कहते हैं। यानी तो उसका तात्पर्य है वो अपना ये शरीर के प्रमातृत्व को छोड़ दिया, अपने इच्छित इच्छित के साथ सच्चिदानंद रूपता के साथ एक ही भूत होकर के अपने आप को अनुभव कर रहा है, इसे चिन्मात्रता में अभिनिवेश कर गया वो, जिसके बारे में कहा महाशून्यालय वन्नौ भूताक्ष विषयाधिकं हूयते मनसा साकं स्वहोमः सृक्ष चेतना। महाशून्यालय सारा जगत जो शून्य हो जाता रहित हो जाता, जगत रहित एक अधिष्ठान में, वह भी कैसा वन्नी के समान अग्नि, उसमें वन्नी की कल्पना कर लो, वन्नी की जैसा वो है कि उस अधिष्ठान में हम हविष डाल रहे हैं सारा संसार को, क्या क्या डाल रहे हैं, भूत पंचमहाभूत इंद्रिया विषय आदि कम मनसा सह, इन सबको डाला, मन को रख लिया नहीं, मन से अंतकरण मन बुद्धि अहंकार सारे चीज को हुयते सबको उसमें डाल दिया, चिदग्नि सहोम ऐसे डाल में साधन क्या है मेरे पास, श्रुक पात्र होता है ना जिसे स्वाहा डाला जाता है, श्रुक्त चेतना अपनी चेतना से आत्मानम आत्मना आत्मनी हुए, संसार रूपी आत्मा को बुद्धि रूपी आत्मा से अपना स्वरूप भूत आत्मा में आहुति दे दिया जाए। इसलिए शास्त्रकारों ने सब आत्मा शब्द कहते हैं, आत्मना आत्मानम आत्मनी, ये शब्द प्रयोग होते हैं हर जगह, करण भी वही। इसी जो रोज लोग क्या बोलते हो, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, सब कुछ ब्रह्म है, जो साधन है जिस आहुति दे रहे भी ब्रह्म है, यहाँ पे ब्रह्म बोल दिया, जिसे हम खा रहे हैं ये क्या है, ये सुख पात्र है, ये भी ब्रह्म है, जो डाल रहे हैं ये अन्न भी ब्रह्म है, जिसमें डाल रहे हैं ये भी ब्रह्म है,
इसे मिलने वाला फल क्या है, तृप्ति है, आनंद है, वो भी ब्रह्म है। जो क्रिया डालने की हो रही है क्रिया, ये भी ब्रह्म है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम। अरे सारी क्रिया करने वाले जो मैं, ये भी ब्रह्म है, ब्रह्मणाहुतम। इसे फल क्या मिलेगा, ब्रह्म तेन गंतव्यम। जो इस प्रकार समझ कर रोज भोजन करेगा वो ब्रह्म भाव को प्राप्त कर जाएगा। क्यों, ब्रह्म कर्म समाधिना, समाहित के द्वारा तुमने ब्रह्म कर्म किया है। इसलिए श्लोक को रोज बोला जाता है, पहले भोजन से पहले जल लेकर के बोलते हैं हम लोग, तब करते हैं। क्यों, इस कार्य समझ के करना चाहिए। सब वही है, इसे सब को अपने ही में आहुति देनी है। इसे कह दिया भूत इंद्रिया विषय मन सहित सब चीज को आहुति दे दो। इस भाव से उत्कृष्ट भाव से नहीं कर सकते हो तो मैं कहता हूं मंत्र से स्वाहा करो, मंत्र से स्वाहा, हनो शिवाय स्वाहा, हनो शिवाय स्वाहा डालो, कोई मंत्र से स्वाहा करते जाओ। इस प्रकार से इतना ही नहीं, किमरोद घाटे अति यह प्रियो यह सुर बंधुर्यो दाता योति वल्लभ तदंग भक्षणा देवी ह्युत्पत्ते ह्युत्पते गगनांगना। यह प्रियो यह सुहृद, जो प्रिय है, जो सुहृद है, जो बंधु है, जो दाता है, जो अति प्रिय है, अति वल्लभ, तदंग भक्षणा देवी, उसके अंग का भक्षण करने से हे देवी उत्पदेत गगनादंगना, गगनांगना उत्पत्तित, गगन की अंगनाएं मैं अप्सराएं आ जाएगी उसके सामने, मैं ऐसे महान योगी के सामने में उसकी सेवा में गगनांगना उत्पत्तित अप्सराएं उतर आएगी सेवा में। मैंने ऐसे साधु को सावधान रहनी चाहिए। सब कुछ को तो स्वाहा कर रहे हो, इसे बड़ा योगी नहीं हो सकता तो सबको स्वाहा करें, अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने अहंकार को, सबको स्वाहा कर दे, कोई साधारण खेल है ये। ऐसे महान योगी को भी माया घेरना चाहती है क्योंकि उसके लिए कोई प्रिय नहीं, प्रिय को भी स्वाहा कर दिया, कोई मित्र नहीं, सुहृद को भी स्वाहा कर दिया, कोई बंधु नहीं, बंधु को भी स्वाहा कर दिया, कोई अति प्रिया पत्नी भी नहीं, बच्चे भी नहीं, उनको भी स्वाहा कर दी, सबको स्वाहा कर दिया। मान असली सन्यासी है, ये सन्यास में होते, वृजावन में होता कि यही होता है, वृजावन और कुछ नहीं, सबको स्वाहा करना ही वृजावन में, सब लोगों को ले से लेकर के अपने शरीर का अंग प्रति सारा, ये चमड़ा उमड़ा पाल वाल हर चीज का नाम गिनाएंगे वहां पे, स्वाहा स्वाहा करते रहेंगे हर चीज का नाम से। पांच पांच आइटम एक साथ गिना देंगे, पांच ज्ञान इंद्रिय गिना दिया स्वाहा, पांच कर्म इंद्रिय गिनाया स्वाहा, ऐसा हर चीज पांच पांच, सिर्फ बाल वगैरह का भी गिना के स्वाहा, नाखून वगैरह गिना स्वाहा, कोई चीज नहीं छोड़ा है शरीर का, सबको स्वाहा कर दिया स्थूल की। फिर सोच अरे सुख शरीर रह गया तो खतरा है, सुख शरीर को स्वाहा करेंगे, मन बुद्धि अहंकार चित्तानी स्वाहा, फिर से कारण शरीर तो रह गया, ये भी खतरा है, कारण शरीर बना रहेगा तो चौपट होगा, फिर अज्ञानम वृजगम स्वाहा, उसको फिर डाल अविद्या माया इत्यादि यदि उत्तम श्रुतिया तत्सर्व स्वाहा, सबको स्वाहा, और आ गया ब्रह्म हो गया। जब ब्रह्म होने लगता है इस प्रकार के अनुभव करते हुए तब माया जाल चारों तरफ से फिर लेते हैं। यही तो विवेक जगना है उस समय, गगनांगना उत्पतेत, सावधान कर रहे हैं, जब सब स्वाहा करोगे तो गगनांगनाएं नीचे उतरती हैं, अप्सराएं आती हैं, कनाडा से आ जाएगी, अमेरिका से आ जाएगी, और देवी कोई ना कोई इटली से फंसा देगी, इसलिए साधु बाबा संभल के रहो। बता रहे श्रुति स्मृति सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, भगवद्गीता में प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्रह जुवति ज्ञान दीपिते,
यदा क्षोभ प्रदीयेत तदा स्यात् परमं पदं। जब एक क्षोभ यह संसार द्वैत भेद का प्रलय हो जाए, लीन हो जाए, नष्ट हो जाए, तब परमं पदं तब प्राप्त हो जाए। स्यात् परमं पदं तब परम पद की प्राप्ति हो। तो क्षोभ क्या है? देहादि अहम प्रत्यरूप क्षोभ, देहादि अहम प्रत्यरूप जो क्षोभ है इसका नाश हो जाना चाहिए। तदवृत्तौ भट्ट श्री भट्टकल्लट ने उसके अर्थ में इस तरह से व्याख्या किया है, ठीक है। लेकिन ऐसी स्थिति में इसको जो ज्ञान होगा, अगला सूत्र दो अर्थ करेंगे इसलिए ज्ञानम अन्नम सूत्र अगला। इस प्रकार दिव्य ज्ञान देह में स्थित योगी का अन्न क्या है? चिन्मय देह है, विज्ञानमय देह है ना, चिदानंदमय देह पुरारी नहीं तुम्हारी, अब है ना दिव्य चिन्मय देह है, दिव्य ज्ञानमय देह है इसका, जो परम शिव रूप है। देह का तात्पर्य क्या है? स्वरूप, चिन्मय रूपता को प्राप्त किया वह योगी, उसके लाने क्या होगा? यदि उसको भी देह रूप मानोगे तो अन्न तो चाहिए खाने को, अर्थात क्या है उस अवस्था में स्थिति कैसी बनी रहेगी? तात्पर्य है उस चिन्मय स्थिति को प्राप्त किया, ऐसा प्राणी स्थिति पार्थ लेन स्थिति बना कैसे रहेगा? फिर बिगड़ जाता है वहां से, फिर आ जाता है वापस प्रार कर्म से भोग में, चक्कर में आ जाए, फिर भोग से भोग बढ़ जाता है, कैसा बटे बचेगा इससे? उसे भोग काल में पुनर्भोग उत्पन्न हो जाए, प्रार से प्रार्थांतर निष्पन्न हो जाए, गलत होगा ना? ऐसी प्रार्थना हो जैसा वो जड़ भर गति जन्म का चक्कर बन गया, वो क्यों हो गए भाई? प्रार कर्म का भी एक क्षपण हो, इस तरह का रास्ता निकाला जाए, प्रार कर्म को स्वाहा करो ना, वो क्यों नहीं कर सकते? प्रार कर्म का ज्ञान भी कर रहे हो आप, अरे उसका वो ज्ञान को स्वाहा कर दो, अब क्या होगा? न प्रार कर्म है, न प्रार कर्म कोई शरीर, न कुछ चल रहा है, न हो रहा है, न कुछ भी, केवल चिदानंद में स्वरूप ही रहेगा, वो कैसे हो? उसके लिए क्या कहा? ज्ञानम अन्नम। तो दिव्य ज्ञान देह में स्थित इस योगी का अन्न क्या है? अर्थात उस दिव्य ज्ञान रूपा देह, मान लिया देह है तो उसको अन्न चाहिए, अर्थात यह तात्पर्य हुआ उस दिव्य ज्ञान की जो स्थिति प्राप्त है वो स्थिति बनाए कैसे रखेगा? उसे बने रहना है, जब तक ये शरीर है, दिव्य ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये शरीर रहने के कारण से बिगड़ ना जाए कोई काम, उस समय उसको कितनी सतर्क होते रहा, क्या करना सोचना पड़ेगा, मृत्यु कैसे बनाए रखनी पड़ेगी? ज्ञानम अन्नम अद्यतीति अन्नम, अद्यते इति अन्न, जो खाया जावे उसका नाम अन्न होता है। क्या खाएगा वो? ज्ञान को ही खा जाएगा, ज्ञानम अन्नम। पहले तो ज्ञानम बंधन कहा था और अब ज्ञानम अन्नम कह दिया। अरे वो जो ज्ञान बंधन का कारण ही वो तो ज्ञान था, ज्ञान कौन सा ज्ञान दिया था वहां? सकल भेद ज्ञान को लिया था, ज्ञानम बंधन। शांभव उपाय में ज्ञानम बंध जो दूसरा सूत्र में आया था, चैतन्य महात्मा ज्ञानम बंध दूसरा ही सूत्र था, वह ज्ञानम से अपने क्या लिया था? अवच्छेद कर अज्ञानम बंध भी कर लिए थे, अगर ज्ञानम कर लेंगे तो भेद ज्ञान, बंधन के कारण जो भेद ज्ञान था वह सारा भेद ज्ञान को खा जाएगा, अब भेद ज्ञान ही नहीं रहेगा तो अभेद स्वरूप स्थित रहेगा। उस सूत्र को यहां जोड़ भी ले तो कोई आपत्ति, एक व्याख्या प्रथम व्याख्या की बात कर रहा हूं। ज्ञानम बंधे सूत्र में कहा गया बंध का कारणीभूत जो भेद ज्ञान रूपी अज्ञान है उसे यह योगी निगल कर तृप्त हो जाता है, क्योंकि क्या करेगा? उस अज्ञान को भी खा जाएगा, अर्थात अज्ञान रूपी भोजन खा करके तृप्त हो जाएगा, नित्य तृप्त हो जाएगा। अतः वह भेद ज्ञान ही अद्यमान होने के कारण इस महायोगी का अन्न है, एक व्याख्या हो। अथवा ज्ञान मन ये जो ज्ञान अनुभव किया अभी मात्र का संबोध प्राप्त हुआ,
मात्रा चक्र संभोज जब ज्ञान प्राप्त हुआ, जिस ज्ञान की महिमा से वह शरीर सारा शरीर को ही हविष बना लिया था, उसके लिए अब वही ज्ञान अन्न के समान अन्न, अर्थात परिपूर्ण तृप्ति का जनक होने से स्वात्त विश्रांति का हेतु भूता जो स्वात्त विमर्शात्मक जो ज्ञान है वही इसका अन्न। परिपूर्ण तृप्ति का जनक है होने से स्वात्म विश्रांति प्राप्त हुई। जब भेद में भाग रहे थे, भागम भाग लगा हुआ था, वो बंद हो गया, विश्राम अपने ही आप स्वरूप विश्रांति प्राप्त हुई। स्वात्मा रामतया, श्लोक में क्या कहा, स्वात्मा रामतया हित अहित समा है कि नहीं? क्यों ये प्रतीक बनाया शिव का, सांप पहना दिया और भीतिर्नैव भुजंग पुंग भविषात प्रीतिर्नैव चंद्रामृतात भीतिर्नैव भुजंग पुंग भविषात। भुजंग पुंग, भुजंग माने सांप, उनके समूह हाथ पैर सब में लटका पड़ा है, सब फुस 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 कर रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, उस जहर से उसको कोई भय नहीं। शिव प्रीतिर्नैव चंद्रामृतात, ललाट में चंद्र लटका है, चंद्रमा से अमृत टपक रहा है, उस अमृत के प्रति कोई प्यार नहीं, प्रेम नहीं, राग नहीं। ना शौचम गले रुंड माललुननाथ, न शौचम गंगा जला, न शौचम अपवित्रता महसूस नहीं हो रही है रुंड माला पहनने पर, और गंगा जैसे पवित्र जल जलने से अपने आप को पवित्र भी महसूस नहीं करते। नोद्वेग स्थिति भस्मनो न च सुखम गौरी स्तनालिंगनाथ, ये श्लोक है। नोद्वेग स्थिति भस्मनो, शरीर पे चिता का भस्म लगा दिया लोगों ने तो उद्वेग नहीं हो रही है और न सुख का भान हो रहा है गौरी का आलिंगन करने से। स्वात्मा रामतया हिताहित सम, अंतिम पा देंगे, स्वात्मा रामतया हिताहित सम, स्वस्थो हर पातु वह। स्वात्मा रामतया इस पर आया कि स्वात्म विश्रांति प्राप्त किया उसने, स्वात्मा राम हो गया, स्वप्ने अपनी आत्म में रमण कर रहा है। जैसे संत कुमार जी ने नारद को कहते, स्वयं महिमनी काय आत्मा ब्रह्म भूमा, अपनी महिमा में विराजती है, अपनी आत्मा में रमण करता है, अपनी आत्मा विश्रांति को प्राप्त कर गया है। अतः हित और अहित में समय स्वरूप में स्थित स्वस्थ, स्वस्मिन स्थित इति स्वस्थ, स्वस्वरूप में जो स्थित है उसे को स्वस्थ कहा जाता है, यानी कि शरीर निरोग है, बोलते आप स्वस्थ हैं, लोगों के दृष्टिकोण में क्या है, शरीर रोग रहित है, ये पूछते हैं लोग। असली स्वस्थ शब्द का अर्थ क्या है, जो अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए वही स्वस्थ होता है, वही हम सबकी रक्षा करें, पातु वह हम सबकी रक्षा। ये सुंदर श्लोक बता रहे हैं, सकल द्वंद्व से जो परे उठता है वही स्वात्मा राम हो सकता है। ये सारे द्वंद्व है इसमें, भय और अभय, शौच अशौच, प्रीति और अप्रीति, सुख और दुख, इन सकल द्वंद्वों से परे उठ गया वही शिव। शिव का ये सर चित्र बनाने के पीछे यही है, कारण ये है उनका ये चित्र बनाया, ये नहीं कि सांप लपेट के बैठे रहते हैं, ऐसा रहते हैं वैसा, वो आदमी ऐसे थोड़ा रहता है, शिव भगवान है, लेकिन वो प्रतीक इस तरह से बनाया गया है जान बूझ कर ऋषियों के द्वारा, ये बात बोध कराने के लिए, जब द्वंद्वातीत हो जाओगे तभी वास्तविक समाधि लगेगी। शिव समाधि में रहते हैं हमेशा समाधि, क्यों आप द्वंद्वातीत हुए हैं, द्वंद्वातीत हुए बिना समाधि नहीं हो सकती। वही द्वंद्वातीतता क्या होता है, स्वात्म विश्रांति का हेतु क्या था, स्वात्म विमर्शात्मक ज्ञान ही है, हमने चैतन्यात्मक ज्ञान सच्चिदानंद रूपता जो ज्ञान है, मैं ही परम शिव हूं ऐसा जो ज्ञान हुआ वही इसका अन्न है, वो ज्ञान ही इसका अन्न है, उसी का अभ्यास करना पड़ेगा। हम ब्रह्मा शिव ब्रह्मा शिवम 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 अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि वह रस स्वरूप एवं तृप्ति तृप्ति रूपी है, यही रस है, रसो वही सहा और वही तृप्ति है।
अतएव उससे उत्कृष्ट अन्न योगी के लिए क्या हो सकता है बताइए, उससे भी उत्कृष्ट अन्न इस योगी के लिए और क्या होगा। अहम ब्रह्मास्मि चिंतन, शिवहम का चिंतन, इन चिंतनों से अलग कोई और चिंतन योगी के लिए अन्न ही नहीं हो सकता। कि सब कुछ उसके लिए क्या है, शक्तिमय दिखता है, और जो कुछ बोलता है वो भी शक्ति की लीला होती, क्रीड़ा होती। कहा एक जगह, तव चक्का किल ना स्तुति रंभिके सकल शब्दमयी किल ते वपु निखिल मूर्तिषु ये भवदन्वयो मनसि जासु वहते प्रसरासु च। कहते तवच का किल नास्तुति रंभिके, हे अंबिके तवच का किल न अस्तुति, जो कुछ भी क्रियाएं हो रही है सब तुम्हारी स्तुति ही है, ये सब तेरी स्तुति है। जो कुछ भी हो रहा है क्या तुम्हारा स्तुति नहीं है बता, पूछ रहे क्या तुम्हारी स्तुति नहीं है यहां, जो हो रहा है, जो देख रहा हूं, सुन रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, जो कुछ भी क्रिया हो रही है ये सब तेरी ही लीला है, से तेरी ही स्तुति है। तवच का किल ना स्तुति रंभिके सकल शब्दमयी, कि जो कुछ भी है वो शब्दमयी है और सकल शब्दमयी तू ही है, तेरे अलावा कोई शब्द हो तो बताओ। सकल शब्दमयी किल ते वपुः, क्योंकि शक्ति का शरीर क्या है, ते वपु तुम्हारा शरीर क्या है, शब्दमयी, सकल शब्दमयी, ये जो संसार ही तुम्हारा वपु है। निखिल मूर्तिषु सकल मूर्तियों में, उपाधियों में भी ये भवदन्यो मनसि जासु, जो तुमसे अन्य कुछ है यदि कोई कहता है वो गलत। निखिल मूर्तिषु ये भवद अन्वयो, इसलिए जो तुम्हारा ही सब जगह अन्वय ही अन्वय है, अन्ययो नहीं अन्वयो, तुम्हारा ही अन्वय सारा जगत में, तुम्हारे से ही अनुस्यूत है सारा जगत, वो तो प्रोत है वो जो सारा जगत। मनसि जासु वहते प्रसरासु च, और हमारे मन से जन जो वृत्तियां हैं जो प्रसरित हो रही हैं, इनमें भी तेरे अलावा और कौन हो सकता है। अरे जो कुछ भी है मेरी शक्ति का ही विलास हो रहा है, इसी दृष्टि से सारा अपने चैतन्य को ही देख रहा है और सबको चैतन्य रूप चिदग्नि में ही, ये चैतन्य का व्याप्ति रूप है सारा संसार के वृत्तियों को भी अग्नि में स्वाहा कर देता है, अन्न रूपेण सुग्रसन कर देता है। इसलिए उसका जो ज्ञान है शिवमित्यात्मक ज्ञान जो है, शिवमित्यात्मक जो ज्ञान है वही मैं अनंत रूपेण भाषित हो रहा हूं। ये पूर्ण हंता काल में जो था उससे ऊपर उठ करके अब शिव केवल हम जो हो गया है, यह ज्ञान सर्वोत्कृष्ट अन्य महायोगी। एक बार वो योगाग्नि जग जाए, श्वेताश्व प्रसन्न ने भी कहा न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु हो प्राप्त से योगाग्निमयम शरीरम। श्वेताश्व दो बारा न तस्य रोगो, आत्मा में कोई रोग लगेगा क्या, चिदग्नि में प्राप्त किया, योगाग्नि जागृत हो गई, मैंने चिदग्नि रूप में पहुंच गया, अपने चित स्वरूप में पहुंच गया है, वहां न रोग है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, कुछ भी नहीं है। जो इस योगाग्नि को प्राप्त कर लेता है वह इन सब से परे हो जाता है। क्यों, वह शरीर से ही परे हो गया, द्वंद्वों से परे हो गया, न बुढ़ापा है, न जवानी है, न मृत्यु है, न जन्म है, सब द्वंद्वों से परे हो गया। ऐसे महायोगी का चिदग्नि के वर्णन करते हुए वर्णन श्रुति स्मृतियों में देखने को मिलता है। ज्ञान शब्द से यहां परावस्था का ज्ञान समझना चाहिए। ज्ञान शब्द से क्या समझना है, परावस्था का ज्ञान समझना, निचले अवस्थाओं को नहीं, पूर्ण अहंकार की अवस्था का भी नहीं, उसे भी ऊपर परावस्था। उस अवस्था में योगी को भीतर बाहर संपूर्ण विश्व
स्वात्म चैतन्य विस्फुरण मय अनुभूत होता है। उस अवस्था में योग क्या महसूस होता है? भीतर बाहर संपूर्ण विश्व एक स्वात्म चैतन्य का ही स्फुरण मात्र दिखता है, विलास मात्र दिखता है, अपने चैतन्य से अलग कुछ नहीं दिखता है, कहने का जो कुछ ही भाषित हो रहे। जैसे क्या हम बार बार बोलते ना, जो पिक्चर छोड़ते हैं सीन रील जो होता है, क्या होता है? एक साधारण चीज है, पतला सा पत्ता छोड़ रहा है, ऐसा क्या हो रहा है? प्रकाश का खेल है। एक लाइट होता कुछ नहीं होता, एक तेज लाइट है, भयंकर लाइट, जबरदस्त, उस लाइट के सामने वो दौड़ते रहता है, फर भागते रहता है, रील जो होता है रील दौड़ रहा है। उस उपाधि के कारण से क्या वहां दिख रहा है? वो प्रकाश की लीला दिख रही है, इधर प्रकाश गायब हो रहा है, उधर आ रहा है, इधर गायब हो रहा है, वो जैसा उपाधि में है प्रकाश क्या हो रहा है वह आदमी दिखने का मतलब क्या? उतने हिस्से का प्रकाश गायब हो गया। यदि वो रील हटा दो तो क्या दिखेगा? वो प्रकाश ही प्रकाश दिखेगा पर्दे में, और कुछ दिखता है क्या? रील हट जाए वहां प्रकाश तो दूसरा है ही नहीं, और रील चलता का मतलब क्या? उस प्रकाश का ही लीला चल रहा है वहां पर। उपाधि के कारण से इस प्रकाश की लीलाएं दिखती है। इसे भीतर बाहर यदि कोई उपाधि मानते हो, वह महायोगी इस शरीर को लेकर के भीतर बाहर जो उपाधि मानते हैं, तब भी उसको क्या महसूस होगा? बाहि जगत वास्तविक महसूस नहीं होता, उसे लगता है स्वात्म चेतन का ही विस्फुरणमय अनुभूत होता है। अतः स्वभाव अहमेव सर्वम इस पूर्ण अहंता से भीतर बाहर व्याप्त होने के कारण चिद्रूपात्मा से भिन्न कुछ रहता ही नहीं। पहले क्या अनुभव कर रहा था? स्वभावतः अहमेव सर्वम ने पढ़ रहा, मैं ही हो गया हूं, अब मैं ही नहीं हुआ हूं, पर चैतन्य स्वरूप दिखता है, मैं नहीं हुआ, मैं तो रहा ही नहीं, हुआ क्या? पहले तो मैं ये सब हो गया था, अब मैं रहा ही नहीं, क्यों? शिव ही शिव रह गया, परम शिव है, चैतन्य चैतन्य है, वह चैतन्य स्वरूप दिख रहा। कितना अंतर हो गया दोनों ज्ञान में? कैसे नहीं, ब्रह्म वेदांत में ब्रह्म ही इसमें भाषित हो रहा है, इसको आत्मस्मरण करते वही कर। इसलिए अहम एव सर्वम यह पूर्ण अहंता से वहां से ऊपर उठ गया, क्या हुआ? भीतर बाहर व्याप्त होने के कारण, भीतर सर्वत्र व्याप्ति होने के कारण से अब चित्रूप आत्मा से बिन कुछ रहता ही नहीं। उस अवस्था में स्वात्म वैभव के विस्फार का परिशीलन करता हुआ इस रूस अवस्था में अपनी आत्मा का वैभव के जो विस्फार है उसका परिशीलन करता हुआ दृश्य रूपेण अनुभव करते सर। अब कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं, परमातृत्व में अहमता ममता नहीं, कुछ भी नहीं, केवल इस दृश्य का एक दर्शक बना हुआ है, साक्षी बना हुआ है। इसलिए आगे नट कहेंगे, नटवत सब कुछ हो रहा है करता हुआ यह यो वह योगी अत्यंत निराकांक्ष पूर्ण तृप्त रहता है। अत्यंत क्या हो गया? निराकांक्ष हो गया, उसके अंदर कोई आकांक्षा नहीं रहती है, ये करूं वो करूं, ये करे या वो करे, होवे न होवे कोई लेन देन नहीं, हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो ठीक, अपना अनुकूल हो तो ठीक, प्रतिकूल हो तो ठीक, सर्वदा निराकांक्ष हो गया। इसी के लिए अत्यंत टेम्पररी थोड़ी देर के लिए विचार हुआ, निराकांक्ष रहा, फिर मौका आया, फिर साकांक्ष हो गया, ऐसा नहीं, अत्यंतिक निराकांक्षता पूर्ण तृप्त हो रहता है। अभ्यास वश वैसे ज्ञान देह में ही निरंतर निवास करता है। क्या है? अनेक जन्म संसिद्ध वाली बात है, कार्यक्रम चला रहा है, इसलिए उस अभ्यास वश लगता तो है वो इस शरीर में है, लगता है वो इस शरीर में है, लेकिन रहते हुए भी नहीं है, क्योंकि सर्वत्र व्याप्त है। इन अभ्यास उस कैसे प्रतीत होगा? मानो कि वो इस शरीर में है, ऐसा प्रतीत होगा।
अतएव यह दशा ही उसकी स्वाभाविक एवं सहज दशा है। इसलिए स्वाभाविक एवं सहज दशा क्या है उसका, वह सर्वव्यापक चैतन्य होता हुआ प्रायः कर्मवशात ये अनुभव करता है। व्युत्थान में कदाचित वह जब व्यावहारिक कार्यों को करता सा दिखाई देता है ना, भाषा देखिए यहां पर पूरी वेदांत जैसा प्रयोग कर रही है ये। जब मान लो व्युत्थान दशा, व्युत्थान दशा मैंने बहिर्मुख आ गया, शरीर से व्यवहार कर रहा है, उस समय मानो ऐसा लगता है आपको क्या कि कदाचित वह जब व्यावहारिक कार्यों को करता हुआ दिखाई देता है तब भी अपने स्वभाव यानी पूर्णता की स्थिति में से प्रच्युत नहीं होता। अपनी जो पूर्णता है, ब्राह्मी स्थिति है, उससे वह कभी च्युत नहीं होता। अभी तो प्रबुद्ध कुशल नट की भांति, प्रबुद्ध कुशल नट, नट का दो विशेषण दे रहे हैं, केवल कुशल नट होने से काम नहीं चलेगा, विवेक ज्ञान भी जागृत है। प्रबुद्ध कुशल नट की भांति, इसके बारे में बहुत सुंदर श्लोक उसमें आता है, शतश्लोकी आचार्य शंकर ने शतश्लोकी का सातवें श्लोक में लिखते हैं। क्या लिखे हैं, स्वीकुर्वन् व्याघ्रवेशं स्वजठर भृतये भीषयन् यश्च मुग्धान् मत्वा व्याघ्रोऽहं मिथ्थं स नरपशु मुखान् बाधते किन्नु सत्वान् मत्वा स्त्रीवेशधारी स्त्रेहमिति कुरुते किन्नट भर्तुरिच्छां तद्गच्छारीर आत्मा पृथक् अनुभवतो देहतो यः स साक्षी। कहते नट स्वीकुर्वन् व्याघ्रोऽहम् इति, व्याघ्र का शरीर जैसा बना लिया, पहन लिया, टीवी में दिखाते नहीं, सिंह शेर बन गया, हाथी सब बन के लड़के बच्चे नाटक करते हैं, ऐसे नट ने क्या है सिंह का रूप धारण कर लिया। और क्यों धारण किया, स्वजठर हृदय पेट पालने के लिए, वो तो बेचारा पेट पालने के लिए कर रहा है, करते हुए क्या कर रहा है, लेकिन भीषयन यश्च मुग्धान, जो दर्शक है मुग्ध सीधे साधे बेचारे, वो क्या समझ रहे हैं, वास्तव में शेर आ गया, ओ हीरो को खा जाएगा, ओ हीरो इसे लड़ रहा, ये दिख रहे लेकिन भले वेश धारण किया, भले भी चिंगाड़ेगा, सब कुछ करेगा, सारी पैंथरे बदलेगी, सब कुछ करेगा लीला, लेकिन वास्तव में क्या हिंसक अंदर से हो सकता है, आदमी को मार के खा जाएगा क्या वो। वही कह रहे हैं मत्वा व्याघ्रोहम, यह मान करके मैं व्याघ्र हूं, व्याघ्र वेशधारी व नट अपने पेट के पालने के लिए मान रहा मैं व्याघ्र हूं, इत्थम स नर पशु मुखान बाधते किन्नु सत्वान, जो नर होते हुए पशुमुख आदि धारण करके नाटक कर रहा वह क्या वास्तव में मनुष्यों को मार काट कर सकता है, समुद्र आ जाएगा क्या, वो हिंसक बन जाएगा क्या, कदापि नहीं, उसमें हिंसकत्व का धर्म आते नहीं है। भले शरीर से संबंध कर लिया, मैं सिंह हूँ समझ भी लिया, बोल भी रहा है मैं सिंह हूँ, दाड़ रहा है सिंह जैसे, व्यवहार कर रहा है सिंह जैसे, डरा रहा है सबको सिंह जैसे, लेकिन फिर भी अंदर से वो हिंसक नहीं हो पाता, मनुष्य ही रहता है। ठीक उसी प्रे ब्रह्मज्ञानी शिव योगी ये शरीर में रहकर बोल रहे मैं देवदत्त हूँ, मैं सन्यासी हूँ, पक ज्ञान से व्यवहार से सब कुछ करेगा, डांटेगा फटकारेगा वो, लेकिन अंदर से वह अपना ब्रह्म रूप को तो त्यागता नहीं, अपने ब्रह्म रूपता में स्थित बार सारा व्यवहार कर रहा है, दूसरों को डरा भी रहा है, डर भी रहे लोग, सब कुछ हो रहा है, अरे हम माँ तो बहुत खतरनाक बोलते हैं लोग, सुबह रहना मुश्किल, टिकना मुश्किल, बहुत हमारे नाम से डर जाते हैं, कहीं तो मैं स्टेज में भी नहीं आ रहा, अरे वो महात्मा आ रहे, अरे हम नहीं जाएंगे, वो बुला उनको बुला लिया तो हम नहीं आएंगे,
इतने डरते हैं, यार मतलब पता नहीं। अरे अपनी आत्मा से डरोगे तो क्या कैसे जियोगे भाई, हम तो तुम्हारा आत्मा है, हमसे क्यों डरता है। अरे उपाय से डरते हो तो उपाय तो बेचारा ऐसे दुबला पतला हड्डीदार आदमी, इसे क्यों डरता है, थप्पड़ मारे भी मर जाए फिर भी डरते, समझ में। सिर्फ बाहर से व्यवहार कैसा भी हो रहा है, आप सख्त है, सत्य बोलते, कठोर बोलते हैं, आदमी डरता है, जाने क्या कह दे, हमारे पोल पट्टी न खोल दे, भय रहता है, कुछ नहीं हमारे पोल पट्टी न खोल दे, उनकी दुकान के माल असली है कि नकली है बता देगा तो फिर क्या होगा, इसे डर लगा रहता हूं। इसे कहना है। और दूसरा कोई दूसरा आदमी है, पहले औरतें नेटिंग नहीं करती थी ना, आदमी औरत का वेश पहनता था, वैसे मत्वा स्त्री वेशधारी स्त्री हमिति कुरुते, स्त्री वेश का धारण कर पूरा एक्टिंग कर रहा है, मैं स्त्री हूं बोलता है, नाम ले रहा है मैं सीता हूं, और वाणी भी ऐसा औरत जैसे बोलना लगेगा, सब कुछ एक्टिंग करेगा, लेकिन क्या कभी वो गर्भिणी हो जाएगा, क्या पति को स्त्री सुख दे सकेगा, अंदर से तो पुरुष ही रहेगा कि दूसरा हो जाएगा। इसी प्रकार से शिव योगी किसी भी शरीर से किसी संबंध करके जैसा भी व्यवहार कर रहा होगा, इन चीजों से उसका कोई संबंध नहीं रहेगा, अंदर से जो वो है तो वही रहेगा। इसे नटवता के दृष्टांत देंगे, यहां भी हिंदी में आ गया नट, इसलिए कह दिया प्रबुद्ध कुशल नट की भांति तद जात्यादि विशिष्ट शरीर भूमिका में, वो जाति को भी मानेगा, आश्रम को भी मानेगा, मैं सन्यासी हूं बोलेगा, बोलेगा तो यही बोलेगा, व्यवहार तो यही करेगा वो, इन्हीं से कोई संबंध नहीं रहेगा। स्वयं क्रीडन द्वारा स्वयं को चमत्कृत करता हुआ नाटकीय पात्र जैसा होकर विभिन्न अभिनयों का निर्वहन करता है, उस व्यावहारिक दशा में भी वह विषेन्द्रियों द्वारा तत् सभी विषयों को परामृत रहिक रसमय रूप में ही ग्रहण करके स्वात्मा में समर्पित करता है, इसलिए ज्ञानम अन्नम का। इस विषय व्यावहारिक ज्ञान में जो हो रहा है, मैं देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं घूम रहा हूं, जो कुछ भी ज्ञान हो रहा है, सब ज्ञानों को भी अपने चिदग्नि में ही आहुति देता है, इसलिए वो परम ज्ञान है, उसको भी अपने स्वरूप में अभिन्न कर दिया, व्यावहारिक ज्ञान को भी आहुति देता है, इसलिए ज्ञान मनम दोनों ही दृष्टिकोणों से ठीक। विषयाशक्ति से स्वरूप स्फूर्ति को भूल कर पशु की भांति अधरावस्था को नहीं प्राप्त होता, ये महत्वपूर्ण बात। चाहे जितने भी व्यवहार हो शरीर से, जैसा भी व्यवहार करना पड़े उसको, लेकिन फिर भी विषयाशक्ति को लेकर वह अपने स्वरूप विस्फूर्ति को भूल कर पशु की भांति, बंधन युक्त जीवों की भांति, वह अधर अवस्था, निम्न अवस्था को, अज्ञान अवस्था को वह प्राप्त नहीं करता, उसका सारा व्यवहार अभिनय मात्र ही रहता है, उससे वह किंचन मात्र भी प्रभावित नहीं होता है, यही ज्ञानम अन्नम का तात्पर्य है। उभय कोटि जिस प्रकार का भी आप ज्ञान लीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही प्रकार का ज्ञान उस योगी के लिए, अज्ञान रूपी ज्ञान हो या भेद ज्ञान रूपी ज्ञान हो या स्वरूपात्मक ज्ञान हो, सब कुछ उसके लिए अन्न ही है। इसे दोनों दृष्टिकोण से बताया, दोनों दृष्टिकोण से नट ही रहने के कारण से दोनों ही प्रकार के ज्ञान को अन्न बना लेने कोई आपत्ति उसको नहीं होता, किसी प्रकार स्वरूप हानि भी नहीं होती।